गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू दिस व्लॉग। और आज है संडे, तो फाइनली आफ्टर सो मेनी डेज यू गॉट फिश। बट फिर सानू से गुड मॉर्निंग, शूटिंग करो मैं नहीं उधर मैंने रखा है ना होएगा। तो फाइनली आई गॉट फिश प्रॉन्स और बोनबिल फ्राई करने के लिए, तो अभी रसा बनाने के लिए रख दिया और कुकर लगा दिया दाल राइस का। चपाती ऑलमोस्ट हो गया, अभी दो चपाती और बाकी है। एंड इतना टाइम कट टू कट चल रहा है, मैं क्या बताऊँ आपको, टाइम कट टू कट बहुत शॉर्टेज चल रहा है टू मैनेज एवरीथिंग ऑल टुगेदर। तो मेरे पास देखो क्या है, इसलिए मैंने सोचा कैमरे को यहाँ पे रख के मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, वरना ब्लॉग भी नहीं बनेगा और पूरा दिन ऐसे ही चला जाएगा। मम्मी हाँ बोलने का, ये सानू का साइकिल है ना, नीचे पार्किंग में रख दिया है ना, तो उसको लॉक लगाया है, तो सानू को सेपरेटली चाबी चाहिए, इसके लिए उसको अलग से किचन दे दिया उसका चाबी। क्योंकि क्या हो गया, कल हम लोग, मैं सुशांत और दीप्ति गए थे वो कर्टन के शॉपिंग के लिए, तो हम लोग स्कूटी लेके गए थे, सुशांत स्कूटी पे आया था और मैं दीप्ति रिक्शा से गए थे, तो इसको चाहिए था साइकिल और साइकिल की चाबी थी स्कूटी के चाबी के साथ अटैच करके रखा था। तो फिर इसको गुस्सा आ गया कि तुम लोग बाहर चले गए और साइकिल की चाबी भी लेके गए, अब मैं कैसे जाऊँ साइकिल चलाने। तो मैंने आते साथ ही इसका चाबी निकाल के इसको दे दिया। मैंने बोला था, हाँ सानू ने ही बोला था, ऑब्वियसली सानू ने बोला था, और उसको अलग से किचन भी दे दिया कि बाबा तेरी चाबी तो संभाल, जब भी नीचे जाना है बाबा को लेके जा। और साइकिल काका तो शादी के बाद काकी भी आ गई है, काकी जब छुट्टी रहेगा तो लेके जाएगी तुझे साइकिल चलाने के लिए। एंड दिवाली की वजह से ना गले में कुछ अटक गया, दिवाली की वजह से ज्यादा लोड आ गया, क्योंकि दिवाली में हर कहीं पे वो तेरा सीजन टाइम ही रहता है, आप बोलो फरसान वाले के पास, मिठाई वाले के पास, कपड़े वालों के पास, ज्वेलरी वालों के पास, एवरीवेयर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, क्योंकि सब जगह दिवाली में सेल चालू रहता है, एवरीबडी इज परचेजिंग। दो साल लॉकडाउन के बाद अभी सब ओपन हो गया था, एवरीबडी इज एंजॉइंग दिस दिवाली, इसके लिए ज्वेलरी पे भी मुझे ना बहुत ज्यादा लोड आ गया। और आपने से जिन लोग ने फेसबुक कल ज्वाइन नहीं किया था ना, उनके साथ मैं ये न्यूज शेयर करना चाहती हूँ कि कल मेरा फर्स्ट लाइव हुआ जिसका रिकॉर्ड ब्रेक हो गया कि आई हैड मोर देन 100 व्यूज, मतलब मैं तो यूजली 20-25 आई थिंक जाता है, उसके ऊपर जाता नहीं है व्यूज, उतने ही लोग ज्वाइन करते, बाद में लोग रिकॉर्डेड देखते, लेकिन रिकॉर्डेड लाइव भी आई थिंक 10,000 के ऊपर व्यू गया है। और जब लाइव चालू था तभी भी 100 के ऊपर काउंट गया, 101-120 तक आई थिंक काउंट चला गया था, तो आई वॉज सो हैप्पी कि मेरा इतना। लेकिन अभी वो प्रॉब्लम हो गया ना फेसबुक से, जैसे प्रज्ञाताई ने मुझे मैसेज करके बताया था कि फेसबुक पे जितने जन लाइव करते हैं ना उनका लाइव बंद होने वाला है, फेसबुक का अकाउंट बंद हो जाएगा, नॉट द पर्सनल वाला अकाउंट जिसपे हम लोग नॉर्मल फेसबुक यूज करते हैं, बिजनेस वाला जिसपे लाइव करते हैं, जैसे मेरा इशिता स्टाइल करके जो पेज है जिसमें मैं लाइव करती हूँ, और इशिता साने और विनीता साहु करके जो मेरा पर्सनल फेसबुक अकाउंट है वो नहीं, तो वो मेरा कल ना ब्लॉक हो चुका है, वहां से मैसेज आया कि हम लोग इसको अंडर प्रोसेस डालेंगे, क्रॉस वेरिफिकेशन करने के बाद ही आपका अकाउंट वापस रिएक्टिव होगा। तो इसके लिए आप में से बहुत सारे जन को जो मैंने ब्रॉडकास्ट में लिंक भेजा था ना, वो लिंक अभी ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि वो अंडर प्रोसेस है। तो नो प्रॉब्लम, अगर फेसबुक पे लाइव नहीं हो पाएगा तो वैसे भी मेरे पास यूट्यूब का ये अकाउंट तो है ही, जैसा मैं सैटरडे फेसबुक पे लाइव करती थी वैसे मैं सैटरडे यूट्यूब पे लाइव करूंगी, तो ये तो और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे जन ऐसे जिनके पास फेसबुक नहीं है लेकिन आप लोग यूट्यूब देखते हो, तो सबके लिए अच्छा हो जाएगा। तो मुझे कोई टेंशन नहीं, अगर फेसबुक पे भी अगर फेसबुक वो पॉलिसी लेकर आता है कि अभी आप लाइव नहीं कर सकते हो, बिजनेस वाला अकाउंट नहीं चला सकते हो फेसबुक पे, या कोई और टर्म्स कंडीशन आता है वो तो पता चल ही जाएगा एक दो दिन में, मैं आप लोग को भी अपडेट कर दूंगी, तो वहां पे करूंगी, अगर वहां से बंद हो जाता है तो फिर आई विल डू इट ऑन यूट्यूब, यूट्यूब पे हर सैटरडे फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो कितने जन का मुझे मैसेज आ रहा है अभी बैक टू बैक, इसी तरह लिंक ओपन नहीं हो रहा है, ये स्क्रीनशॉट भेज रहे कि ऐसा ऐसा एरर दिखा रहा है, तो यस उसमें एरर आ रहा है क्योंकि वो अंडर, और सब जन का गया, मेरा अकाउंट ही नहीं गया, जितने भी जन लाइव करते हैं ना उनका सबका गया है, सुशांत का फेसबुक चल रहा है, निशु का चल रहा है क्योंकि उनका पर्सनल वाला है, बिजनेस वाला नहीं है ना, तो उनका सबका चल रहा है, मेरा दोनों भी नहीं, मेरा तो फेसबुक ही नहीं खुल रहा है, ऐप ही नहीं ओपन हो रहा है, तो अभी एक दो दिन देखते हैं, उसके बाद जो अपडेट आएगा उस हिसाब से आई लेट यू नो। तो मेरे चपाती बना के हो गया, फिश को मसाला लगा के हो गया है, और अभी 12:30 बज गए, सब खाना हो गया, सिर्फ अभी फिश फ्राई करके लेना है, और बहुत टाइम के बाद आज घर में फिश आया, वैसे तो मम्मा को फिश खाने के लिए मना किया है लेकिन अभी मम्मी ने ट्रीटमेंट बंद कर दिया है, लेकिन जो डाइट बोला उसको कंट्रोल में करेंगे, तो शी लीट ओनली थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी, नॉट लाइक जैसे पहले मम्मा खाती थी वैसे नहीं, थोड़ा थोड़ा सा ही खाएंगे।
दिवाली में जैसे बोलते हैं ना एक्स्ट्रा आस काम करो एम्प्लॉयज को, दिवाली का सीजन है वर्कलोड ज्यादा है, सेम मेरे साथ वैसे ही हो रहा है, दिवाली का सीजन है वर्कलोड ज्यादा है। एंड ये देखिए दोपहर को मैंने 2 घंटा मतलब लास्ट सैटरडे से, ये सैटरडे लाइव नहीं, लास्ट सैटरडे का लाइव है ना, उसके बाद से मैं दोपहर का एक भी दिन नहीं सोई हूँ। बैक टू बैक बुकिंग्स, पैकिंग, इंक्वायरी, शॉपिंग, घर का काम, ये वो कपड़े धोना जो मतलब बाहर से हाथ से धोते कपड़े, वो ही सब चल रहा है। ब्लाउज स्टिचिंग के लिए हम लोग गए, ये वो कुछ ना कुछ चालू है। ये दोपहर को मैंने पूरे पैकेट्स रेडी कर दिए, बिकॉज मेरे को कुछ अंदाज़ा ही नहीं आ रहा था कि मेरे पास जो ज्वेलरी 12-12 पीस 8-8 पीस है उस वो सफिशेंट होगा कि नहीं होगा आगे की बुकिंग्स लेने के लिए, ओवरलैप बुकिंग ना होते जाए, इसलिए मैंने सारे पैकेट में जिनका भी ज्वेलरी बुक्ड है वो डाल के रख दिया है। अभी एक एक निकाल के आई डू द पैकिंग, और ये मुझे कल ही कैसे भी ये पूरा ज्वेलरी डिस्पैच करना ही पड़ेगा, क्योंकि सबको दिवाली के लिए चाहिए। किसी का पनवेल है, नवी मुंबई है, पूना है, नागपुर है, बैंगलोर है, कर्नाटका है, बैंड्रा है, अंधेरी है, सब मिक्स है इसमें, सो इसलिए ये मुझे कैसे भी कल डिस्पैच करवाना ही पड़ेगा। नो यू डू टेबल्स एंड संडे मंडे। और तो ये अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, अभी कितना बज रहा है, 11:10 है, आई थिंक मुझे आराम से 1 बजी जाएगा आधा करने के लिए, आधा तो बाद में ही होगा, बिकॉज एवरी पैकिंग टेक्स टाइम, बॉक्स में डालो, बबल रैप करो, एड्रेस लिखो, तो टाइम जाता है, और एक एक ज्वेलरी को देख देख के डालना पड़ता है, ऐसे नहीं कि मैंने रैंडमली उठा लिया, पैक कर लिया और भेज दिया, इतने दूर तक जाने वाला, तो बोलते ना आई एम रिप्रेजेंटिंग माई नेम, तो मैं मेरा नाम नहीं खराब करना चाहती हूँ कि घाई गड़बड़ में कुछ भी हो जाए, इसके लिए सबको फोटो भेज के कन्फर्मेशन लेके उसके बाद आई एम गोइंग टू पैक एवरीथिंग। मैंने ऑलरेडी फोटोज दोपहर को ही भेज दिए, मोस्टली आधे ज़्यादा जन का मुझे कन्फर्मेशन भी आ गया है। तो ये अभी बोलते ना मेरा ऐसा दिवाली का चल रहा है, सुशांत इज ऑलरेडी आउट, दोपहर को नहीं 5:30 बजे कुछ हो गया है दीप्ति के साथ सेकेंड हाफ इवनिंग का, क्योंकि उनका कुछ शॉपिंग बाकी है, दीप्ति के कुर्तीज वगैरह लेना है डेली वेयर पहनने के लिए ऑफिस जाने के लिए, तो वो सब शॉपिंग थोड़ा करने के लिए गए। तो दीप्ति का भी वहाँ पे इतना बिजी स्केड्यूल चल रहा है, जो उसको सैटरडे संडे छुट्टी मिलता है, शॉपिंग तैयारी शादी का पैकिंग यही हो रहा है, कल वापस उसका ऑफिस है। सो बोलते ना अब 6 महीने हम लोग ने आराम किया, लेकिन अभी जो लास्ट के 2-3 महीने बचे ना वो एकदम नहीं अभी आराम कर सकते। सो अभी दिवाली का सीजन है इसलिए मेरे पर वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा आ गया, अदरवाइज तो इतना आप लोगों को पता है कभी इतना एक साथ मैंने पार्सल पैकिंग नहीं किया है। कल भी मैंने निशु के हाथ में ऑलमोस्ट 12-13 पार्सल दिया, उसके पहले भी 12-13 या 15 पार्सल कुछ गया, तो ऐसे 4-5 दिन से कंटिन्यूस इतने पार्सल निकल रहे हैं। अभी भी और मैंने बुकिंग शाम को लिया है 6-7 जो अभी जाएगा ट्यूसडे वेनसडे, मैंने उनको पहले कमिटमेंट दिया है आपका पार्सल मंडे नहीं जाएगा ट्यूसडे या वेनसडे को जाएगा, उस हिसाब से ही पेमेंट करना, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट एनी वन टू गेट अपसेट कि हमने तो संडे को ही पेमेंट कर दिया और पार्सल इतना लेट वेनसडे को जा रहा है, मतलब देर आर सो मेनी टर्म्स एंड कंडीशन विच यू हैव टू फॉलो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमिटेशन ज्वेलरी ओपन कर दिया तो आप सोचो हाँ ईजी गोए, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग, वेंडर्स को संभालो, क्लाइंट्स को हैंडल करो, इंक्वायरीज हैंडल करो, फसी क्लाइंट्स को हैंडल करो, सम क्लाइंट्स आर वेरी स्वीट, एक ही गो में पूरा हो जाता है डील डन, सम क्लाइंट बहुत 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 इंक्वायरी करने के बाद दे टेक गिव बुकिंग, ऑब्वियसली ऑनलाइन है तो हर कोई क्रॉस चेक करके कि हाँ इफ यू इन्वेस्टिंग तो राइट प्रोडक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका स्कूटर नहीं है ये, मैं लेकर आई हूँ, बटन दबाएंगे तब ये बड़े चलते हैं। एनीवेज तो अभी मैं इसलिए आज मैं ज़्यादा ब्लॉग भी नहीं शूट कर पाई बिकॉज इतना बिजी स्केड्यूल चल रहा है आप लोग समझ सकते हो, एंड इतना कुछ खास था भी नहीं शूट करने जैसा, कल का था तो मैंने शूट कर दिया। अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ एंड लेट मी स्टार्ट विथ माई वर्क, एंड आप लोगों को मैं कल के ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक आप सब अपना ख्याल रखना, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट एंड सी यू। इधर 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 नानू।